अब हम लोग को आज लोधी वंश या अफगान वंश के बारे में देखना है। अफगान वंश, इसी को हम लोग लोधी वंश भी कहते हैं। ये कब से कब तक चला था थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा। ये हम लोग चला था 1451 से लेकर 1526 तक, 1451 से लेकर 1526 तक चला था। अफगान या लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। इसको दिल्ली के राज गद्दी पर अप्रैल 1451 ईस्वी में बैठाया गया। बताया जाता है कि जब सायद वंश का अंत हो गया था और आलम शाह के बदायूं चल जाने के बाद बहलोल लोधी को क्या किया गया था, बहलोल लोधी द्वारा अफगान या लोधी वंश का स्थापना किया गया था जो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था। आपको बता दें कि ये हम लोग का लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी। कौन सा था? बहलोल लोधी। याद रखिएगा बहलोल होता है, बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489 तक इन्होंने 38 वर्ष तक राज किया। राज किया दिल्ली संतलत पर सबसे अधिक राज करने वाला बहलोल लोधी था। दिल्ली के साता पर सबसे अधिक राज करने वाला कौन था, बहलोल लोधी था, जिन्होंने 38 वर्ष किया था। अब देखिए बहलोल लोधी का मृत्यु कब हो गया था। बहलोल लोधी का मृत्यु 1489 ईस्वी में हो गया था। इनका दो को पुत्र हुआ करता था, एक बर्बक लोधी हुआ करता था और दूसरा हुआ करता था सिकंदर लोधी। ये आप यहाँ पे आके समस्या फंसी, बर्बक लोधी और था और इनका था सिकंदर लोधी था। ये दोनों में आपस में संघर्ष होने लगे कि साता पर हम बैठेंगे। अब हुआ क्या, तो इन्होंने बहलोल लोधी ने मृत्यु से पहले ही उन्होंने क्या निकाल दिया था, रास्ता में क्या बताया गया था थोड़ा सा आपको ध्यान दिएगा। यहाँ पे बर्बक लोधी और यहाँ पे हो गया था सिकंदर लोधी। याद रखिएगा सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1517 तक याद रखिएगा इन्होंने 28 वर्ष का किया गया दिल्ली के गद्दी पर किसको बैठा दिया गया था, सिकंदर लोधी को बैठा दिया गया था। और इनका भाई जो था, इतना बर्बक लोधी जो था, इसको जौनपुर का राज्यपाल नियुक्त कर दिया
नियुक्त कर दिया गया था। इसको कहाँ के राज्यपाल? जौनपुर के, ठीक है ना, जौनपुर के इसको राज्यपाल का कर दिया गया था, नियुक्त कर दिया गया था। किसको? किसको नियुक्त कर दिया गया था? जौनपुर के राज्यपाल, याद रखिएगा, बर्बक लोधी को, इनका बर्बक लोधी या बर्बक शाह भी इसको बोला जाता था, याद रखिएगा, बर्बक लोधी या बर्बक शाह भी इसको बोला जाता था, याद रखिएगा, कोई पूछेगा, ठीक है ना। ये बड़ा पुत्र हुआ करता था, यह किसका, ये किसका बड़ा पुत्र? बहलोल लोधी का बड़ा पुत्र था, बहलोल लोधी का बड़ा पुत्र था, बहलोल लोधी का यह बड़ा पुत्र था, लोधी का बड़ा पुत्र था, और यह कौन सा पुत्र था? छोटा था। इन्हीं को डिंगे संतलत की गद्दी पर बैठाई गई थी, जिन्होंने 28 वर्ष तक राज किया। तो हम आपको बता दें कि बहलोल लोधी का पुत्र कौन था? बहलोल लोधी का पुत्र बर्बक शाह या बर्बक लोधी, और उनका एक और छोटा पुत्र जिनका नाम क्या था? सिकंदर लोधी हुआ करता था, जिन्होंने दिल्ली के संतलत पर बैठा और अधिक समय तक राज चलाने का काम किया। आप यहाँ पे ये राज्यपाल साहब तो अलग हो गए, राज्यपाल साहब का रास्ता क्लियर हो गया था। अब यहाँ पे आती है बात, सिकंदर की फिर से बात आती है, सिकंदर लोधी की बात आती है। अब सिकंदर लोधी का भी दो पुत्र हुआ करता था, सिकंदर लोधी का भी दो पुत्र हुआ करता था, याद रखिएगा, एक हुआ करता था जलाल लोधी, और एक हुआ करता था इब्राहिम लोधी। ये दोनों हुआ करता था। अब देखिए, दोनों एक दूसरे पर अड़ गए, मारपीट के नौबत आ गई थी। सिकंदर लोधी के बाद अगर मान के चलिए कि दिल्ली के संतलत सत्ता पर कौन बैठेगा, तब इन्होंने आपस में दोनों भाई लड़ाई कर दी थी। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? इनको मृत्यु 1517 ईस्वी में हो गई। 1517 में मृत्यु के बाद जलाल लोधी और उसके बाद बताया गया था इब्राहिम लोधी। अब दोनों के बीच में फाटा फाटी शुरू हो गया, भाई सत्ता पर हम बैठेंगे। दोनों में आपस में भीषण लड़ाई हुई, परंतु इब्राहिम लोधी का जगह मिल गया। इब्राहिम लोधी ने दिल्ली संतलत के सत्ता पर बैठा, और इन्होंने 1517 से लेकर 1526 तक दिल्ली संतलत के गद्दी पर राज किया। और ये इब्राहिम लोधी जो था अफगान या लोधी वंश का अंतिम शासक था। तो आपको बता दें कि दिल्ली संतलत पर आपका अंतिम शासक लोधी वंश था, ठीक है ना। लोधी वंश के समाप्त होते ही, इब्राहिम लोधी के समाप्त होते ही यहाँ पे अब नए दिल्ली के संतलत पर, दिल्ली पर अब दूसर नया वंश का शासन होगा जिसका नाम मुगल वंश होता है। तो मैं आप लोगों को बारी बारी से ठीक है, बहलोल लोधी का कार्य, ठीक है ना, सिकंदर का कार्य, और आप इब्राहिम का कार्य के बारे में हम आप लोग से बारी बारी से चर्चा करेंगे, और तब हम आप लोग को जाके बताएंगे कि जो हम लोग का मुगल वंश हुआ, सॉरी जब मुगल वंश की स्थापना हुई, तब मुगल वंश से पहले, ठीक है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में होता है। इसके बाद हम कल बताने के बाद आप लोगों को फिर से बताई जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।